हेलो किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल एसएन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, बरसात का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो किसान भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बरसात के सीजन में आप भिंडी की खेती करके लाखों रुपए किस प्रकार से कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आप बरसात में भिंडी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। और काफी हमारे किसान भाई बरसात के महीने में भिंडी की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप भी किस प्रकार से भिंडी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं बरसात में, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि आपको कौन सी भिंडी का चयन करना है और कौन कौन से ऐसे कृषि कार्य करना है भिंडी में, जिससे आप बरसात के महीने में भिंडी की खेती करके लाखों रुपये कमा सकते हैं। तो जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए और जो हमारे किसान भी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुंच सके और वो अपनी भिंडी की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें और बरसात के महीने में लाखों रुपए कमा सकें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाई, कि हमें भिंडी की खेती करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बरसात के महीने में जून जुलाई में भिंडी की खेती करना यानी कि भिंडी की बुआई करना चाहिए। अगर आप जून जुलाई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो एक ये सही समय पीरियड है, तो आपको अवश्य जून जुलाई महीने में भिंडी की बुआई कर देनी है। दूसरी चीज़ ये किसान भाई कि आपको बीज का चयन बहुत ही सतर्कता के साथ करना है, तो अगर आप बीज का चयन सही प्रकार से करते हैं तब आप अपनी भिंडी की फसल से लाखों रुपये कमा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से एक चीज़ देखना है कि आपके एरिए में कौन सा बीज प्रचलित है और कौन सा बीज अच्छी दर दे रहा है। तो कुछ बीज मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भी कि आप उन बीजों का भी चयन कर सकते हैं। जो मैं आपको बीज बताने वाला हूँ ये काफ़ी प्रचलित बीज है और काफ़ी अच्छी इनकी पैदावार है और बहुत ही कम खर्चा है इसमें। अगर आप इस बीज का चयन करते हैं तो आपके जो फंगसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं उनका कम प्रयोग करना पड़ेगा और आप अधिक लाभ ले पाएंगे और भिंडी की फसल से लाखों रुपये कमा पाएंगे। तो इसके लिए किसान भी आप संकर बीज का चयन कर सकते हैं। संकर बीज काफ़ी अच्छा बीज होता है और इसकी जगह मैं दर की बात करूँ तो करीब 40 से 45 क्विंटल एकड़ इसकी दर निकल करके आती है और इसमें हल्दी रोग बिल्कुल नहीं लगता है। दूसरा एक बीज आता है किसान भाइयों, आप उसका चयन कर सकते हैं। दूसरा आता है हिसार नवीन। हिसार नवीन बहुत ही अच्छा बीज है किसान भाइयों। इसकी अगर मैं पैदावार की बात करूँ तो इसकी जो पैदावार पिछले साल निकल करके आई है करीब 48 क्विंटल से लेकर 55 क्विंटल एकड़ तक आप इसका उत्पाद ले सकते हो और इसमें जो पीला रोग लगने की जो क्षमता होती है यानी कि ये रोग बिल्कुल नहीं लगता और रोग प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर होती है। इसका जो तना होता है काफ़ी मजबूत होता है और जो भिंडी आती है काफ़ी मुलायम और काफ़ी लंबी आती है। तो इसकी आप करीब एक एकड़ में करीब 48 से लेकर 53 क्विंटल एकड़ आप इसका दर ले सकते हैं। एक किसान में और आती है, एक आती है कि राधिका भिंडी। राधिका भिंडी भी काफ़ी प्रचलित वेरायटी है और काफ़ी सारे हमारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं, तो आप राधिका का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें भी कम लागत है और कम खर्चा आप अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगर इसकी उत्पाद की बात करूँ तो करीब 40 से 45 क्विंटल आप इसको पैदावार ले सकते हैं एक एकड़ में। एक किसान भाई और मैं बताना चाहूँगा, ये चौथी वेरायटी काफ़ी ज़्यादा फेमस वेरायटी और काफ़ी सारे किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं। मैंने भी खुद प्रयोग करा और काफ़ी अच्छा लाभ मिला है किसान भाई। तो आप एक किसान भाई वेरायटी आती है HPH 145, इसका चयन कर सकते हैं किसान भी। ये काफ़ी अच्छी वेरायटी है। इसकी मैं दर की बात करूँ तो ये करीब 48 से लेकर 53 क्विंटल एकड़ देती है और उसकी जो भिंडी का जो साइज होता है, फल होता है, वो 8 इंच से लेकर 10 इंच लंबाई होती है उसकी और काफ़ी मुलायम भिंडी होती है। तोड़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होती है, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। और इसमें पीला रोग लगने की क्षमता होती है, इसमें पीला रोग बिल्कुल नहीं लगता और रंग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, तो आपको कम खर्चा भी करना पड़ेगा और अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं किसान की, आपको खेत का तैयारी किस प्रकार से करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो किसान भाई इसके लिए आपको खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराना है, इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको खेत में किस चीज़ की कमी है। तो आपको खेत की जांच अवश्य करना है यानी कि मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। दूसरा चीज़ ये है किसान भाई, जब आप गोबर की खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 3 हफ्ते पहले गोबर की खाद का प्रयोग करें, तब आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसके साथ में आप 3 हफ्ते पहले गोबर की खाद डालने के बाद खेत को कल्टीवेटर से या आप रूटावेटर से अच्छी तरह से जुताई कराने के बाद खेत की तैयारी करें। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है किसान भी, आप भिंडी की जब बुआई करें तो आपको पलेवा कर ही भिंडी की बुआई करना, तब आपको की जो जमाव होगा 100% जमाव होगा और आपकी भिंडी 100% जम करके आएगी और अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें उर्वरकों का चयन किस प्रकार से करना है। तो किसान भी आपको उर्वरकों का भी चयन जो पहली डोज देना है वो बहुत ही सतर्कता के साथ देना है और बहुत ही ध्यान पूर्वक देना है। तो इसके लिए आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास, तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो देसी खाद तो की भी आवश्यकता होती है लेकिन वो आप पहले डाल चुके हैं। तो अगर मैं मात्रा की बात करूँ किसान भी, तो आपको 10 से लेकर
14 टन आपको देसी खाद का 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर मैं यूरिया की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की बात करूं, तो करीब आपको 45 से 50 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन देना चाहिए और 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस, करीब 40 किलोग्राम पोटास का आपको प्रयोग करना चाहिए। तो ये चार उर्वरक है, इनका प्रयोग करना सही मात्रा में। और उसके साथ में आप भिंडी का बीज की जो बीज शोधन अवश्य करने के समय, इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि बीज शोधन आपको किस प्रकार से करना, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। आपको बीज शोधन अवश्य करना है। उसके बाद में आपको भिंडी की रोपाई करने के बाद पहले सिंचाई कर देना है। सिंचाई करके बाद आपको 1 दिन के अंतराल में आप भिंडी की सिंचाई कर सकते हैं। किसान भी बरसात का सीजन होता है तो ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है किसान भाइयों, कि आप भिंडी की खेत में, जिस खेत में भिंडी की रोपाई कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो उस खेत में पानी का निकास अवश्य होना चाहिए। बरसात में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इस प्रकार से हमारी जो भिंडी की फसल होती है वो पानी में सड़ जाती है, तो काफ़ी सारा घाटा देखने को मिलता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, आपको खेत का मेड़ अच्छी तरीके से बांधना और पानी का निकास होना चाहिए। और आपको टाइम टाइम पे किसान भाइयों, आप खरपतवार की नराई गुड़ाई करते रहें और निकालते रहें, इससे आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, जो मैंने आपको तरीका बताया, आप इस प्रकार से भिंडी की खेती करते हैं, तो आप अपनी भिंडी की फल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं और लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आशा करते हैं किसान भाई, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाई हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। किसान भाई, अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आपका जो सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँ। तो अगली वीडियो मिलते हैं किसान भाई, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।